अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू। मोहसन नाज़रीन, हमें उम्मीद है आप सब लोग जहाँ कहीं भी होंगे खैर व आफियत से होंगे, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि आप सबको जहाँ कहीं भी रखे शादो आबाद रखे। मोहसन नाज़रीन, आज हम आपके लिए एक बहुत ही प्यारा रूहानी अमल लेकर आए हैं, जिस रूहानी अमल का नाम है मुँह की बदबू ज़ाइल करने के लिए रूहानी अमल, मुँह की बदबू ख़त्म करने के लिए रूहानी अमल। अगर आप इस रूहानी अमल को करें, इस रूहानी अमल को अपनाएं, तो इंशाअल्लाह आपके मुंह की बदबू बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। बहुत से लोग होते हैं जिनके मुंह से बदबू आती है, बदबू की वजह से वो बोलने से भी आजिज़ होते हैं, सामने वाला शख्स भी उनकी मुंह की बदबू सूंघकर दूर हो जाता है। तो आइए, हम मुंह की बदबू को ख़त्म करने के लिए एक रूहानी अमल लेकर आए हैं। तो आइए जानते हैं रूहानी अमल के बारे में कि इस अमल को कैसे पढ़ना है और कितने बार पढ़ना है और किस वक्त पढ़ना है। ये जानने से पहले, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि हर आने वाला वजीफ़ा या अमल आप तक सबसे पहले पहुंचे। आइए जानते हैं अमल के बारे में। मुँह की बदबू ज़ाइल करने के लिए रूहानी अमल, हुवल बारिउ लहुल अस्माउल हुस्ना। अगर किसी के मुंह से बदबू आती हो तो इन कलिमात को 11 मरतबा पढ़कर नमक मिले पानी पर दम करके गरारे करे। इस अमल को सुबह सोकर उठने के बाद और रात को सोने से पहले दिन में 2 मरतबा करे, इंशाअल्लाह 7 रोज़ में 7 दिन में शिफा नसीब होगी और आपके मुंह की बदबू बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। इस अमल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें।